कह रहे कि अगर अपनी माँ के बारे में जानना चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा बोला जा रहा है। डोंट आस्क माँ। आज थोड़े से डिसबैलेंस नज़र आ रहे हैं आप आफ्टर द हल्दी रूम में, शायद दादू गिर गए हैं, दादू को सच्चाई पता चल गई है, मनाने की कोशिश हो रही है, तो स्टार्ट से थोड़ा सा खराब होता है। वेल होता यही है कि हम लोग की हल्दी चल रही होती है, इस दौरान दादू रूम में जाते हैं, जो हमारी जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं कल्याणी बुआ, वो ऑब्वियसली पूजा शर्मा की माँ है, और ये बात सिर्फ मुझे पता है, सोनाली को पता है, मॉम को पता है, और दादू अभी एक पर्दे में है इस चीज़ में। तो जब जाते हैं रूम खोल के तो देखते हैं कि कल्याणी रिप्लाई नहीं कर रही है, तो बाद में देखते हैं कि वो तो पूजा शर्मा की माँ है, तो उनके लिए एक शॉकर होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि दादू प्लीज़ मैं एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, और एक बार अगर उन्हें लगता है कि चीज़ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्रॉब्ली ही कैन गो एंड टेल पूजा अबाउट इट। तो वही सीक्वेंस है मेजरली दादू और मेरा, एंड वो रेवलेशन ना हो जाए एकदम से, और पूजा दादू के पास आती है, वो बोलती है कि दादू प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरी माँ का एड्रेस वगैरह, जो व्हाटएवर इट इज़, वेयर शी इज़, एंड मैं बच रहा हूँ बिकॉज मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि एक बार शादी हो जाए, उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो मैं अपने तरीके से करूँगा उसको। मैं बिल्कुल राजी नहीं था तेरी शादी से। सब गलत है, बिल्कुल गलत है। दादू प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल प्लीज बस चुप हो जा। कभी तू गलत कर रही है, गलत कर रहा है, बिल्कुल जो भी कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। दादू मेरी बात समझना तो मेरे साथ बस। दादू ने मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दिया है कि ठीक है, अगर बात समझाने की बात है तो ठीक है मुझे बता दो, बट अगर मेरे बात अगर मैं कन्विंस नहीं होता तो मैं सारी चीज़ें पूजा को बता दूँगा। तो भाई एक दादू डाइसी एक सिचुएशन में है इस बार कि किसकी सुने। ओके इतना सारा ड्रामा हो रहा है, मैन आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज फैंस को लगता है बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड हो रहे हैं शो में, ट्रैक यहाँ से यहाँ। नहीं ऑफ कोर्स जो भी मैं कैरेक्टर करता हूँ मैं एंजॉय ज़रूर करता हूँ, आई मीन जितना भी है, जितना मेरे लिए है, जितना नहीं है, तो आई थिंक इफ एन एक्टर एंजॉयज व्हाट ही डज आई थिंक हाफ ऑफ द जॉब इज डन, तो बाकी तो फैंस लोग कर ही देते हैं। सो या वेल आई थिंक वो खुद तो नहीं बताएंगे बिकॉज वो ऐसी बेहोशी की हालत में हैं, थोड़े पागलपन वाले स्टेट में हैं, तो इसीलिए हमने उनको एक रूम में बंद करके रखा है, बट हम लोग पूरी उनको ऐसा नहीं है कि उन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरी देखभाल कर रहे हैं, उनको मेडिसिन टाइम से दे रहे हैं। तो मैंने सोनाली को अपॉइंट कर रखा है कि भाई तुम सारी चीज़ों का ख्याल रखोगी, सो आई थिंक या ऐसा कुछ होने नहीं वाला। That's it.